बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो स्लाइड आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इट गिव्स अस जनरल डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये ओवरऑल डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन अप्लाई होती है किसी भी फील्ड के प्रोजेक्ट को, वेदर इट इज रिलेटेड विद आईटी, वेदर इट इज रिलेटेड विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिविल, इलेक्ट्रो मैकेनिकल, स्मॉल प्रोजेक्ट और बिग प्रोजेक्ट। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि दिस डेफिनेशन इज रिलेटेड विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नॉट विद ऑपरेशंस। व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मीन्स अप्लाई करना, यूज करना ऑफ नॉलेज, स्किल्स, tools and techniques to the project activities to meet project requirements। ये definition extract की गई है PIM book से, project management body of knowledge, जो कि institute of project management की काविश है, कोशिश है। ये body of knowledge उन्होंने develop की है 4th edition से, that was published in 2012। अब latest edition 7 है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज एडिशन 6 है PIM book का। और जो PMI की सर्टिफिकेशन होती है PM, उसके लिए जो PIM book अभी एज द प्रेजेंट यूज हो रही है वो 6 एडिशन है। तो डेफिनेशन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन आप लोग ऐसे ही मेमोराइज करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड सेट पैट डेफिनेशन है। द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स and techniques to project activities to meet project requirements। project managers strive to meet triple constraint। triple constraint kaun se hain? aapko last slide jo humne discuss ki thi kal, day before yesterday, they were scope, time and cost। scope, time and cost। तो सक्सेसफुली हम किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कंसीडर कर सकते हैं इफ इट इज कंप्लीटेड इन टाइम, इन गिवन बजट, और जो भी स्कोप असाइन था, जो भी एग्रीड स्कोप था, दैट हैज बीन कंप्लीटेड। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, 10 नॉलेज एरियाज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। एंड एज आई रिपीटेड, एज आई सेड बिफोर एंड आई रिपीट वंस अगेन, नॉलेज एरियाज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो नॉलेज है, फ्रेमवर्क है, ये जनरली नेचर है। ये किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट को, हर किस्म के प्रोजेक्ट पे अप्लाई होता है। तो ये जो नॉलेज एरिया है, 10 नॉलेज एरियाज, ये नॉलेज एरियाज एग्जिस्ट करेंगे आईटी के प्रोजेक्ट में भी, सिविल के भी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट में भी। टेन नॉलेज एरियाज, राइट। फर्स्ट देखें स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप मैनेजमेंट, व्हाट वी हैव टू कंप्लीट, व्हाट वी वांट टू अचीव विद दिस पर्टिकुलर गिवन प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर सब कुछ मैनेज कर लिया, स्कोप मैनेज नहीं किया, स्कोप मैनेज करने का मतलब ये है कि जो एग्रीड स्कोप है उससे कम काम करके देना, और या फिर एग्रीड स्कोप से ज्यादा काम करके दे देना, दोनों ही हार्मफुल है। विद लेस स्कोप इट मींस प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड, विद मोर स्कोप इट मींस वी हैव स्पेंड मोर मनी, मोर एक्सपेंसेस, एंड जो हमारा मार्जिन है, जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, वो रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारे प्रोजेक्ट की फाइनल डेडलाइन है वो हमने मीट की है। समटाइम्स क्रिटिकल माइलस्टोन डेट्स होती हैं, उन्हें सीएमडी भी कहते हैं, सीएमडी, क्रिटिकल माइलस्टोन डेट्स, ठीक है। तो ये डेट्स इंटरमीडिएट होती हैं,
आपको मैं किसी प्रोजेक्ट का रियल स्केड्यूल दिखाऊंगा प्राइमावेरा का और एमएस प्रोजेक्ट का. उसमें आप देखेंगे कि ओके फाइनल डेट है, डेडलाइन है, एंड लाइन है, बट देर आर सम इंडिविजुअल इंटरमीडिएट माइलस्टोन्स एज वेल. और उन माइलस्टोन्स को अचीव करना भी जरूरी है क्योंकि वो हमें इंडिकेशन देते हैं डेट वी आर इन ट्रैक. टाइम मैनेजमेंट, नेक्स्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, राइट? कितने एक्सपेंसेस हैं, वी शुड स्टे इन बजट. अगर हमने एक प्रोजेक्ट का स्कोप कंप्लीट कर दिया, इन टाइम भी खत्म किया, लेकिन एक्सपेंसिव अमाउंट बहुत ज्यादा स्पेंड कर दिया, विच इज मोर देन डबल ऑफ आवर बजट, तो देयर इज ऑफ नो यूज. ठीक है, कंपनी को कोई सेविंग नहीं हुई, हमारी पर्सनल कोई सेविंग नहीं हुई, तो इट इज ऑल्सो मैंडेटरी टू मैनेज कॉस्ट. क्वालिटी मैनेजमेंट, जो भी प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, जो भी एंटिटी, उसकी क्वालिटी अप टू स्टैंडर्ड है. तो हर प्रोजेक्ट के लिए, इवन बिफोर इनिशिएशन और स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स, क्वालिटी मैनुअल्स, वो डेवलप कर लिए जाते हैं. एंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, इन सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट किया जाता है. एक सेपरेट टीम होती है जिसमें क्वालिटी इंस्पेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और उनकी जो भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड एक्सपर्ट लोग होते हैं जो कि क्वालिटी को मैनेज करते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, हमारी प्रोजेक्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, उनको मैनेज करना. अगर उन्हें प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो जो गिवन टीम्स हैं, आइदर दे विल बी अंडरलोडेड और दे आर ओवरलोडेड. अंडरलोडेड है तो 10 बंदे हैं और वो काम 5-8 लोगों का है, तो ऑफ कोर्स हमारी जो कॉस्ट मैनेजमेंट है वो इफेक्ट हो जाएगी. और अगर हमारी टीम्स ओवरलोडेड है तो ऑफ कोर्स मनी की तो सेविंग हो रही है, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी ऑफ वर्क विल बी अफेक्टेड और जो टाइम है, टाइम लाइन है, वो ब्रीच हो सकती है, इज एट रिस्क. तो ह्यूमन रिसोर्स को एफिशिएंटली मैनेज करना इज इक्वली इम्पोर्टेंट. कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर का जो टॉप लेवल रोल है ना, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर इज डूइंग कम्युनिकेशन. वो कम्युनिकेट कर रहा है समटाइम्स अपनी टीम्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, प्रोजेक्ट ऑनर के साथ. ठीक है, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपनी कंपनी में प्रोग्राम मैनेजर्स के साथ, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के साथ. सो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, अब रिस्क रिस्क को पहले समझ लें. इनफैक्ट मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट स्लाइड और प्रेजेंटेशन और एक छोटा लेक्चर अरेंज कर दूंगा ओवर रिस्क. ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है, लाइक ऑल अदर मैनेजमेंट्स, ऑल अदर नॉलेज एरियाज. रिस्क ऐसी सारी पोटेंशियल एक्टिविटीज हैं, पोटेंशियल एंटिटीज हैं दैट कैन हार्म आवर इफेक्ट, दैट कैन हार्म और इवन बेनिफिट आवर प्रोजेक्ट. तो रिस्क दोनों तरह के भी होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, अच्छे भी बुरे भी. तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट मैनेजर एनलिस्ट करता है स्टेक होल्डर्स को, इसी तरह जो रिस्क है इनके भी रिस्क असेसमेंट फाइल बनाई जाती है प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, दैट व्हाट कुड पॉसिबली गो रॉन्ग. और सिर्फ रॉन्ग नहीं, कुछ आपको बताया, जैसे रिस्क ऐसे भी हैं बट वो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करती हैं इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट. प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट मीन्स प्रोक्योर करना वो मटेरियल, वो इक्विपमेंट, वो पार्ट्स, वो चीजें जो हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है, पार्ट है. तो मैं आपको प्रोक्योरमेंट की और रिस्क मैनेजमेंट की कंबाइंड एग्जांपल दे देता हूँ फ्रॉम माय प्रीवियस एक्सपीरियंस. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. ऑन वन ऑफ माई प्रोजेक्ट्स डेट वॉज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन, सुपर ग्रिड ट्रांसफार्मर्स वर ऑर्डर्ड फ्रॉम एबीबी जर्मनी. ठीक है, एबीबी जर्मनी से वो ट्रांसफार्मर ऑर्डर हुए एंड दे शुड रीच हियर इन सऊदी अरेबिया विद इन
8 months. इस 8 months में डिजाइन पीरियड था, अप्रूवल्स थी, मैन्युफैक्चरिंग थी, ट्रांसपोर्टेशन थी, ये सारी चीजें मैनेज करनी थी. अब प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मीन्स बाय करना, ठीक है. हमने पीओ प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया. अब इसमें रिस्क देखें क्या क्या है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्रेजेंट कंट्री जिसमें प्रोजेक्ट इज ऑन गोइंग, सारी पोलिटिकल कंडीशन ओके हैं, स्टेबलाइज हैं. अगर जिस कंट्री में हमने ऑर्डर प्लेस किया, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो डिस्टेबलाइज हो जाए, तो ऑफ कोर्स आवर मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी डिलेड, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, एंड इट कुड हार्म आवर प्रोजेक्ट इन अ नेगेटिव वे. ठीक है. नेक्स्ट, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इज नॉट ईजी, थ्रू सी होती है, बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं, उनको कोई हादसा पेश आ जाए, वो डिले हो जाए, पोर्ट पे स्टक हो जाए, डेमोरेज चार्जेस बढ़ जाए, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, रिस्क में. तो ये पहले ही एनलिस्ट कर ली जाती हैं और फिर एक प्लान बना लिया जाता है कि हर किस्म के रिस्क को हमने कैसे मैनेज करना है. ठीक है. और टारगेट हमारा यही है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी जो टाइमलाइन है, स्कोप है और क्वालिटी है, वो ब्रीच ना हो. स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मीन्स ऑल द एंटिटीज on which our project depends, or all the entities that are affected or harmed or are related with our project, unko manage karna. To ye 10 knowledge areas hain project management ke, aur ye kahan pe defined hai, kahan se ye knowledge and information aa rahi hai, from PIM book. Okay, project management body of knowledge se. इस स्लाइड को आप देख लें, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और इनफैक्ट ये हमें ओवरव्यू देती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो डिफरेंट एरियाज हैं. ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स. ये नॉलेज एरियाज तो मींस हमने मैनेज करने हैं. अब मैनेज कैसे करने हैं, उसके लिए टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, मेथड्स हैं, लॉग बुक्स हैं, ये भी आपको एक्सप्लेन की जाएंगी. नेक्स्ट पोर्शन, प्रोजेक्ट 1, 2, 3, 4, ये सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मिलके प्रोजेक्ट एक प्रोग्राम बनाते हैं, फिर इनकी कॉम्बिनेशन से बनता है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, एंड फाइनली एंटरप्राइज सक्सेस मीन सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स. यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें, स्टेक होल्डर्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, ये जो हम 10 नॉलेज एरियाज हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, किस लिए कर रहे हैं, आपको 3 बेसिक रीजंस हैं. टू कंप्लीट स्कोप, टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट इन टाइम, एंड टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट इन गिवन बजट, प्लस स्टेक होल्डर्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ये भी हमने मैनेज कर लिए. तो मुझे बताएं, मैंने आप लोगों को कितने नॉलेज एरियाज एक्सप्लेन किए, काउंट करके बताएं. जी, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं 9 नॉलेज एरियाज. 10th नॉलेज एरिया है, 10th नॉलेज एरिया है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, जितने भी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्शंस हमने लिए हैं अंडर 9 नॉलेज एरियाज, दे ऑल आर इंटीग्रेटेड इन प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट प्रोसेस. इस प्रोसेस में इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं. तो हमारे पास हो गए हैं 10 नॉलेज एरियाज. नंबर 1 स्कोप मैनेजमेंट, नंबर 2 टाइम मैनेजमेंट, नंबर 3 कॉस्ट मैनेजमेंट, नंबर 4 क्वालिटी मैनेजमेंट, नंबर 5 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नंबर 6 कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, नंबर 7 रिस्क मैनेजमेंट, नंबर 8 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
Number 9, stakeholder management. And number 10, project integration management. Project stakeholders. General definition, stakeholders are the people involved in or affected by project activities. Sometimes कुछ project ऐसे होते हैं. एक time आया था, आप लोगों को याद होगा, ये जो mobile communication के GSM tower है, ये बहुत लगाए जाते थे और लोगों की बड़ी कोशिश होती थी कि हमारी छत पे लग जाए, हमारे खाली plot में लग जाए GSM का tower. तो उससे पहले, इंस्टॉलेशन से पहले, साइट डेवलपमेंट, बिल्डिंग से पहले, सिविल वर्क से पहले पूरा सर्वे होता था. उस सर्वे में देखा जाता था कि आसपास के जो नेबर्स हैं वो इफेक्ट तो नहीं होंगे, जो एनवायरनमेंट है वो तो उस पर कोई बैड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा. एंड वावड़ा की लोड शेडिंग को कैटर करने के लिए वहां पे जनरेटर भी इंस्टॉल किए जाते थे, जेनसेट. और जब वो जेनसेट चलते थे, वो आसपास के जो नेबर्स हैं उनको साउंड और वाइब्रेशन देते थे, जिनकी वजह से वो तंग और परेशान होते थे. तो कुछ प्रोजेक्ट्स में जो नेबर्स होते हैं ना, साइड नेबर्स, वो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं. तो स्टेक होल्डर कोई भी एंटिटी हो सकती है जो हमारे प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकती है या फिर हमारे प्रोजेक्ट की वजह से इफेक्ट हो सकती है. स्टेक होल्डर्स इंक्लूड द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, जिसने फंडिंग की है, द प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट टीम, सपोर्ट स्टाफ, कस्टमर्स, यूजर्स, सप्लायर्स, ओपोनेंट्स टू द प्रोजेक्ट. ओपोनेंट्स मीन्स ऐसी एंटिटीज, ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप्स जो हमारे प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हैं. अब मैं बताता हूँ, ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में कि साहिवाल का कोल पावर प्लांट जो है ऑपरेशनल है, कुछ अरसे से काम कर रहा है. अब देखें, सारी दुनिया कोल के जो पावर प्लांट्स उनको खत्म कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा हैवी पोल्यूशन और एनवायरमेंट को डैमेजिंग जो पावर प्लांट्स की टाइप है वो कोल पावर प्लांट्स है. तो अब ये तो पाकिस्तान है, यहाँ तो लोगों को होश नहीं है, लेकिन अगर बाहर किसी मुल्क में ये प्रोजेक्ट की बात की जाती, इसे इनिशिएट किया जाता, तो ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्टर्स और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर्स, ऑफ कोर्स वो इत्तेजाज करते, वो एजिटेट करते कि व्हाट इज गोइंग ऑन. ठीक है, तो जो ओपोनेंट्स टू द प्रोजेक्ट है उन, वो भी स्टेक होल्डर्स में शामिल है. इस स्लाइड को गो थ्रू कर लें, ये इंपॉर्टेंट है. ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. 10 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज. ये वही नॉलेज एरियाज हैं जिसके लिए आपको मैंने डायग्राम दिखाई थी. नॉलेज एरियाज डिस्क्राइब द की कॉम्पिटेंसीज दैट प्रोजेक्ट मैनेजर्स मस्ट डेवलप. Project managers must have knowledge and skills in all 10 knowledge areas, project integration, scope, time, cost, quality and so on. In sab mein project manager ke paas knowledge hona chahiye. Tools and techniques kya hain? Dekhen, knowledge areas hain, ye knowledge hain, expertise hain. Ab in expertise ko implement karna hai, inhe practical shape deni hai with the help of tools and techniques. ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर को असिस्ट करते हैं फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज 10 नॉलेज एरियाज. एग्जांपल्स देख लें टूल्स की. प्रोजेक्ट चार्टर, स्कोप स्टेटमेंट. प्रोजेक्ट चार्टर हमें बताता है कि प्रोजेक्ट, हमें जरूरत क्यों पेश आई इस प्रोजेक्ट की. स्कोप स्टेटमेंट, स्कोप स्टेटमेंट गिव्स अस इंडिकेशन ऑफ अ जनरल ओवरव्यू और ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ स्कोप. And WBS. WBS stands for work breakdown structure. For example, हमें project दे दी जाते हैं जी, घर बनाना. Okay, ये तो overall specification है, overall task है जी, घर बनाना है. अब उसके अंदर बहुत सारे sub task होंगे, उन sub task को हम क्या कहते हैं, work breakdown structure. उसमें जो बड़े level है काम का, स्कोप का, उसे ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में. गैंट चार्ट्स, नेटवर्क डायग्राम्स, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, क्रिटिकल चेन स्केड्यूलिंग टाइम. ठीक है, ये अब स्केड्यूलिंग तो होगी प्रोजेक्ट की. ठीक है, फिर उस स्केड्यूल को एनालाइज किया जाता है, उसमें से मोस्ट क्रिटिकल पाथ, नियर क्रिटिकल पाथ चेक किए जाते हैं. एक सिंपल डेफिनेशन क्रिटिकल पाथ की आपको दे देता हूँ कि ये वो पाथ है और सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है दैट हैव पोटेंशियल
to delay our project end date. Means a single day delay in critical path activities delays our project by 1 day with an equal amount. Cost estimate and earned value management, EVM. Earned value management ये किसी भी project की progress को track या monitor करने का tool है EVM. इसमें कुछ simple formulas हैं, वो भी मैं आप लोगों को explain कर दूंगा, जिसमें estimate to complete, budget, time variation, cost variation, budget variation, सारी चीजें value, earned value management में आए. सुपर टूल्स. सुपर टूल्स मतलब ये ऐसी टर्म है, मीन्स एक स्पेसिफिक टर्म है. ये पिम्बुक की टर्म नहीं है, ये मोस्ट वाइडली यूज नहीं होती, लेकिन इस बुक में स्लाइड्स में दी गई है, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सुपर टूल्स आर दोज टूल्स दैट हैव हाई यूज एंड हाई पोटेंशियल फॉर इम्प्रूविंग प्रोजेक्ट सक्सेस, सच एज सॉफ्टवेयर फॉर टास्क स्केड्यूलिंग. सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं प्रोजेक्ट का स्केड्यूल डेवलप करने के लिए. दो मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर हैं, एक है माइक्रोसॉफ्ट का है एमएस प्रोजेक्ट और एक है प्राइमावेरा P6. प्राइमावेरा P6 ज्यादा एक्सटेंसिव है, ज्यादा ऑप्शंस हैं रिसोर्स मैनेज करने के लिए, एक्टिविटीज को कनेक्ट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, क्रिटिकल पाथ के एनालिसिस के लिए. और जो एमएस प्रोजेक्ट है वो फंडामेंटल बेसिक टूल है. से एक है एमएस प्रोजेक्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है. माइक्रोसॉफ्ट P6 नेक्स्ट वर्जन भी आ गए होंगे इसके, आई होप सो. ओके, स्कोप स्टेटमेंट्स ही पहले भी हम देख चुके हैं. रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, रिक्वायरमेंट्स व्हाट वी वांट टू अचीव, व्हाट शुड बी द आउटपुट, व्हाट शुड बी द शेप, व्हाट शुड बी द फंक्शंस और क्वालिटीज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स कम्स अंडर रिक्वायरमेंट एनालिसिस. लेसन लर्नड रिपोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट. लेसन लर्नड रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके साथ प्रोजेक्ट टीम की ड्यूटी है दैट दे मेंटेन अ लॉग फॉर लेसन्स लर्नड. इसका फायदा क्या होता है, लेसन्स लर्नड ये रिपोर्ट यूज होती है नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स पे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करती है. इस रिपोर्ट में हम लॉग करते हैं कि हमने कोई नया एक्शन, नया कोर्स ऑफ एक्शन ट्रेवर्स किया, उसकी आउटपुट ये आई, हमें इस प्रोजेक्ट के दौरान ये प्रॉब्लम्स आई और हमने इसे ऐसे सॉल्व किया. तो फ्यूचर में क्या होगा, जो उसी तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट होंगे, लेसन लर्नड रिपोर्ट से प्रोजेक्ट मैनेजर कैटर कर लेगा उन प्रॉब्लम्स को आने से पहले, बिकॉज दे आर नोन नाउ. सो लेसन लर्नड रिपोर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और ड्यूटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट टीम टू मेंटेन इट. लेसन लर्नड रिपोर्ट्स. अच्छा, इसके अलावा और इस लिस्ट में है प्रोग्रेस रिपोर्ट्स. ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स दे आर मैंडेटरी. डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी होती है, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी होती है, बाई वीकली, मंथली और एनुअली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स दे एग्जिस्ट. ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वेयर. लेकिन प्रोग्रेस रिपोर्ट्स दे आर मैंडेटरी, ये हेल्प करती हैं टू समराइज, टू रिकॉर्ड एंड टू एक्सप्लेन आवर प्रोग्रेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम with our stakeholders. Kick-off meetings. जब contract assign हो जाता है और actual work start करने से पहले एक final meeting होती है. इस final meeting को हम कहते हैं kick-off meeting. ठीक है, तो इसमें contract related जो चीजें उन्हें further elaborate किया जाता है काम start करने से पहले. अगर client ने, project sponsor ने कुछ additional information देनी है, he can give it during this meeting. और जो एग्जीक्यूटर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट टीम है, इफ दे हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी, प्रॉब्लम, ट्रबल्स, कंफ्यूजन, दे कैन गेट इट क्लियर ड्यूरिंग दिस किक ऑफ मीटिंग्स. तो किक ऑफ मीटिंग्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. गैंट चार्ट्स ये जो है
प्रोजेक्ट का जो स्केड्यूल है, एक्टिविटीज स्केड्यूल है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक चार्ट है. एंड चेंज योर रिक्वेस्ट. अच्छा, ये चेंज रिक्वेस्ट ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास हमारी. अभी सेशन ओवर होने वाला है. नेक्स्ट जो क्लास है वो विल स्टार्ट एट 10:15. आप लोग पानी पी लें, रिफ्रेश हो जाएं. आई कैन अंडरस्टैंड ये थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इसमें जो इंटरेस्ट है मेंटेन रखना इज नॉट इजी. बट एनी हाउ, सी यू गाइज एट 10:15. वी विल स्टार्ट फ्रॉम चेंज रिक्वेस्ट.